वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर पे इजीली बना सकते हैं एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब। ये फेस स्क्रब बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके सनटैन को रिमूव करने के लिए, एक्ने ब्लेमिशेस को रिमूव करने के लिए, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। प्लस ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, आपके कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करेगा, आपकी स्किन टोन को ग्लाइटन एंड ब्राइटन बनाएगा। और क्या चाहिए आपको, जल्दी से ये पूरी वीडियो देखिए, वीडियो में बने रहिए एंड तक। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब का जो प्राइस है वो 325 रुपीज है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसका जो प्राइस है वो 325 रुपीज है। और जो मैं आपको घर पे बनाना सिखा रही हूँ एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब, इसका प्राइस आपको मात्र 50 रुपीज आने वाला है। मात्र 50 रुपए में आपका एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब बनके तैयार हो जाएगा। और क्या चाहिए आपको, बस आपको जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज करे वो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं और इसका रिजल्ट आपको ऐसे टेस्ट वैसे ही मिलने वाला है जैसे एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब का मिलता है। इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब में मौजूद हैं और इसमें बहुत ही ज्यादा चीप आपको पड़ेगा और कोई मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही कम मेहनत में ये बनके तैयार हो जाएगा। इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिलने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को देख लेते हैं, सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कैफीन। यहाँ मैंने 1 चम्मच कैफीन पाउडर लिया है। ये स्टिमुलेट करता है ब्लड फ्लो को और प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग को, जेंटली एक्सफोलिएट करता है, रिड्यूस करता है पफिनेस को और स्किन को इवन टोन करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है कोको पाउडर। यहाँ मैंने 1 चम्मच कोको पाउडर लिया है। ये जेंटली एक्सफोलिएट करता है स्किन को और एक वाइब्रेंट ग्लो देता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और लाइटन करता है स्कार्स को। थर्ड इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस पाउडर। ये भी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। हिबिस्कस पाउडर ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, क्लॉग्ड पोर्स को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को सॉफ्ट सपल और ब्राइट बनाने में हमारी हेल्प करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट मैंने एप्रिकॉट पाउडर लिया है। ये रिमूव करता है डेड स्किन सेल्स को, स्किन को लाइटर बनाता है, यंगर बनाता है, फ्रेश लुकिंग देता है स्किन को। चारों इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में और जब भी आपको जितना भी क्वांटिटी लेनी है उसमें इसे निकाल लीजिए। उसके बाद विटामिन ई का कैप्सूल डाल दीजिए। ये स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाता है, ग्लो को बरकरार रखने में हमारी हेल्प करता है। फिर आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो। आलमंड ऑयल बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि स्किन को नरिश करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं। ये मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स यहाँ आलमंड ऑयल की ली हैं। अब मैंने रोज वाटर के 2 चम्मच रोज वाटर ऐड किया है। रोज वाटर में एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि एक्ने पिंपल को खत्म करती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होता है जो कि आपके स्किन सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। ये आपके स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन रखता है, स्किन के सारे एक्सेस ऑयल डर्ट को रिमूव करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पतंजलि का यूज किया है। आप चाहें तो कोई भी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट रखती है, स्किन की इलास्टिसिटी को इन्हांस करती है, नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है और प्लस ये आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। अब एमकैफीन नेक्ड एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब बनके तैयार हो चुका है। इसमें सारे के सारे वही इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है जो एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब में मौजूद है। चाहे तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे किस तरह से अप्लाई करा है। जिस तरह से आप फेस स्क्रब अप्लाई करते हैं उसी तरह से ये अप्लाई करना है। आप वीक में 3 बार भी यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा जैसे कि आपको एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब से मिलते हैं। सेम एज इट इज वैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्लस इसमें कोई हार्श केमिकल्स का यूज नहीं किया है, सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखिए मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और सॉफ्ट और सप्पल लग रही है, क्लियर और रेडिएंट लग रही है। अगर आपके फेस पर डलनेस आ चुकी है, ड्राई हो गई है, फ्लेकी स्किन हो गई है आपकी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये बस होममेड एमकैफीन कॉफी फेस स्क्रब बना के तैयार कर लेना है, कंटेनर में पैक कर लेना है। उसके बाद वो 1.5 से 2 महीने आराम से चल जाएगा आपका। और उसके बाद जब भी आपको लगाना हो तो 1 से 2 चम्मच उसे निकालिए। उसमें विटामिन ई, बादाम तेल सूट नहीं करता है तो प्योर कोकोनट ऑयल यूज करिए। और उसके बाद एलोवेरा जेल और रोज वाटर लगा के मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और ऐसा
स्क्रब अपने फेस पर लगाना है, स्क्रब की तरह उसे 1 से 2 मिनट मसाज करनी है उसकी। उसके बाद आपके फेस पर जो धूल डॉट पॉल्यूशन की वजह से जो भी धूल डॉट मैल जमा होगा वो सब निकल जाएगा, आपके फेस पर जो डेड स्किन सेल्स होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग लगने लगेगी, चमकने लगेगी, हेल्दी लगने लगेगी। अगर आपको ये होम मेड mcaffeine कॉफी फेस स्क्रब अच्छा लगा है, आप उसे ट्राई करते फॉलो करते तो उसके एक्सपीरियंसेस प्लीज हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मेरे व्यूअर्स को मेरे सब्सक्राइबर्स को अच्छा लगे और पता लगे कि कैसा है ये फेस स्क्रब। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करके जाना, आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास में बेल आइकन उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय फ्रेंड्स।